नमस्कार, मैं हूँ सुकृति रॉय चैटर्जी और बोल स्काई में आप सभी का स्वागत है। सफेद बालों को बुढ़ापे की निशानी माना जाता है, लेकिन तनाव, गलत खानपान और प्रदूषण के कारण वक्त से पहले ही सफेद बालों की परेशानी देखने को मिलती है। हालांकि कुछ लोग सफेद बालों से छुटकारा पाने के लिए डाई या कलर का भी सहारा लेते हैं, लेकिन केमिकल युक्त प्रोडक्ट्स बालों को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। हालांकि सफेद बालों को काला करने के लिए लोग नेचुरल तरीके के भी सहारा लेते हैं। इन्हीं घरेलू नुस्खों में से एक है फिटकरी से बालों को काला करने का तरीका। लेकिन अब ये सवाल उठता है, क्या सच में फिटकरी से बाल काले हो जाते हैं? इस पर ब्यूटी एक्सपर्ट्स की माने तो शरीर को फिटकरी से वैसे तो कई लाभ मिलते हैं, लेकिन इसकी मदद से बाल काले हो जाएंगे इसका कोई वैज्ञानिक तथ्य नहीं है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि फिटकरी में हीलिंग प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, जिससे बालों के साथ साथ शरीर के कई हिस्सों को लाभ मिलता है। इतना ही नहीं, आयुर्वेद से भी इसका काफी महत्व है। रूखे बालों को स्मूद और मुलायम बनाने के लिए एक बाल्टी में फिटकरी का टुकड़ा लें। अब इस पानी को रात भर ऐसे ही छोड़ दें। अगले दिन सुबह इस पानी से बालों को धो लें। फिटकरी बालों को स्मूद करने के साथ ही स्कैल्प को साफ कर डैंड्रफ से भी राहत दिलाती है। वहीं फिटकरी से बालों को सफेद होने से तो रोका जा सकता है, लेकिन इसकी मदद से सफेद बालों को काला नहीं किया जा सकता। फिटकरी में गुलाब जल मिलाकर लगाने से सफेद बाल काले हो जाते हैं, मगर इस नुस्खे में कितनी सच्चाई है इसका कोई सबूत नहीं। वहीं आप नारियल तेल को गर्म कर बालों में उससे मालिश करें। अब गर्म पानी में एक टॉवल को डालकर निचोड़ें और बालों में 5 मिनट तक बांध कर रखें। ऐसे ही 3-4 बार इस प्रक्रिया को करें। ऐसा करने से स्कैल्प तेल को ऑब्जर्व करेगा और बाल भी जल्दी सफेद नहीं होंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।